لگے ژٕ پَک تہٕ وارٕ وارٕ مےٚ چھِ ہاٹ वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज है जी फ्राइडे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में भी सुन सकते हो, आज का खुतबा जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज का व्लॉग हम इसी के साथ शुरू करेंगे, जुमा की नमाज के साथ। फिलहाल आज तो बोला गया था वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कि आज होगी बर्फ, जो कि हुई नहीं। ऑब्वियसली क्लाउडी क्लाउडी मौसम, बर्फ का तो नामो निशानी नहीं है कहीं पे। हाँ, मैंने सुना गुलमर्ग वगैरह में हुई है, बट पहलगाम में भी हुई है शायद से। तो अभी फिलहाल चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर आप में से कोई चैनल पे नया आ रहा है तो प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 10K के हम बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। चलिए लाइट्स ऑफ, चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले, क्योंकि जुमा का सवाब तभी मिलता है जब आप खुतबा सुनोगे। आपको ये कमरा दिखा देता हूँ कैसा हो गया मेरा कमरा। अगर आपको देखना होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं आपको ये वाला कमरा दिखाता हूँ कैसा हो गया। ये लाइट्स ऑन, ये देखो जी, पिछले वाले वीडियो में मामा और मैं लगा रहे थे ये, तो अभी देखो कैसा हो गया। बस इस कमरे में अभी अगर कुछ करना है, ये अलमारी सजानी है, पर्दे लगाने हैं, एंड ये जो खिड़कियां हैं रिसेंटली हमने लगाई हैं, इनको करना है पेंट। मेरा देखिए आप, पूरा रेडी हो चुका है। बाकी अभी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फर्श वगैरह भी ठीक है इसका। ठीक है, चलो अभी नमाज पढ़ने, दरवाजा बंद। एंड अगर आपको मेरा कमरा देखना है तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वो उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा, मैं आपको अपना पूरा रूम टूर दूंगा। ठीक है, कि मेरे कमरे में क्या क्या रखा है पूरा बताऊंगा मैं आपको। चलिए अभी चलते हैं नमाज पढ़ने, लेट्स गो। चलिए करते हैं वुजू। ओके गाइज, वजू भी कर लिया अच्छे से। अभी पहले सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं हम मस्जिद। ओके, चलिए जी, हो गई सुन्नत भी अच्छे से। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बर्फ भी हो सकती है एंड धूप भी निकल सकती है। प्रिडिक्शन थी कि बर्फ होगी लेकिन हुई नहीं, हायर रीच पे हुई, गुलमर्ग पहलगाम वगैरह बस। ओके गाइस, नमाज भी हो गई अच्छे से। अभी चलते हैं अंदर, खाते हैं सबसे पहले खाना, उसके बाद जाते हैं फहीम के यहाँ। वो भी कॉल कर रहा था सुबह मेरे को, तो मैंने बोला नमाज के बाद मिलते हैं। आइए 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 जनाब, वल सा यूर, वन सा, क्या गिश क्या गिशी क्या गिशी, माँ 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 मता ये मता चढ़। देखो यहाँ से, देखो क्या हालत की है इसने, देखो कहाँ पे चढ़ा ये। ठीक है, खुशकियत खुशकियत है, ये छोटा बच्चा है अभी। फैमिली मेम्बर। ओके गाइज, अभी फिलहाल मैंने मामा को बोला खीर बनाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का मेरे को बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है, इसलिए अब माँ बना रही है खीर मेरे लिए। गाइज, तो मैं आज आपको एक जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ, लेट्स सी आप पहचान पाते हो या नहीं। ये पता है ये क्या है? ये घी नहीं है, बटर नहीं है, ये मिल्क मेड है। एंड ये देखो फ्रिज में पूरा फ्रीज हो गया है पत्थर के जैसे। इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हो गई हमारी खीर तैयार। ये देखो मिल्क मेड ऐसे ही मैंने डाल दिया आप छोटे छोटे पीसेस में। चलो अभी फिलहाल इसको खाते हैं। अभी फिलहाल अपनी खीर जो है वो टेस्ट करते हैं, एकदम गर्मा गर्म। चलिए, कज़न को आया कॉल, उसका पार्सल आया है बाहर, तो वो खुद यहाँ पे नहीं है। ये देखो धूप कितनी है आज और बर्फ पड़ने वाली थी। हाँ शाहिद, तो अभी फिलहाल उसने बोला ये खोलना भी, क्योंकि देखना है कि शूज बराबर पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो इधर उधर का ही भेज देते हैं। अनबॉक्स कर लेते हैं पहले शूज,
ये ऑर्डर किया है उसने, ऐसा शूज़ मस्त है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। अभी फ़िलहाल इसको वापस बंद कर देते हैं इसी में, बाद में देंगे उसको। चलो इस सारा काम फिनिश, अभी चलते हैं सीधा फहीम के पास। वो भाई साहब गए हैं शॉप पे, तो मेरे को बोला उधर ही आने के लिए। वैसे मैं भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गया। बिस्मिल्लाह, चलो। धूप बस चलाई कलान भी कुछ ही दिनों में, अब चलाई कलान भी बस कुछ ही दिनों में निकलने वाले हैं। चलिए जी, पहुंचते हैं सीधा फहीम की शॉप पे एंड आपसे हम सीधा वहीं पे मिलते हैं। ओके लेट्स गो। चलिए व्लॉग है गाइस बोलिए। हां ओके ओके दबा जी अंदर में सही क्यों कर रहा हूं। جس کھوتا ز اسیت پگنسن گڈ نش لائٹ اس میں گڈ از ریل اس میں مطلب ریل موٹیویشن کی ہے یہ کیوں نہ ہے اس سال شٹ ڈاؤن وین وی اچھا میں اس خدا اس پر ڈر چاہنا ہے مطلب وقت آ یوتھن جو بندہ ٹھیک سے گاڑی نہیں چلاتا تھا چڑھائی پہ گاڑی بند ہوتی تھی میں ایسا بندہ تھا بیک کلاس گاڑی ٹرال نہیں آرام سے مش مول گاڑی آرام سان خدا کی قسم آرام سان مگر بلائی لگے ژٕ پک تہٕ وار وار مےٚ چھِ ہاٹ یِوان اتھس کیتھن یہ دیکھو جی ٹینک ओके गाइस, तो आज है इस व्लॉग का डे टू एंड अभी मैं बाहर जिस व्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड ये देखो आप भाई साहब, आज पूरा क्लाउडी मौसम है। आज मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ गिर सकता है, आज तो कुछ गिरने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कह सकते, बाकी अल्लाह तक है। एनीवेज कल मेरा फ़ोन जो है वो अचानक से ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा फ़ोन ऑफ भी हो गया एंड मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर रहा था एंड कैमरा मतलब फ़ोन ऑफ हो गया। रिसेंटली हमारे 9K सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से। बस अभी हमारा टारगेट जो है वो है 10K सब्सक्राइबर, 10K सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी हिट करने हैं। तो बस अभी फिलहाल इस वाले व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं, करता हूँ मैं स्टार्ट एडिटिंग। ओके अभी फिलहाल इस वाले व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है, फॉलो कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,